खबर देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाएं। मुंबई स्थित कांदिवली में जयाबेन पॉली क्लिनिक द्वारा डाइटिशियन और एक्यूपंक्चर के पेशेंट के लिए एक भव्य फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। ये मेडिकल कैंप डॉक्टर दिलीप अमलानी और उनकी टीम द्वारा आयोजित किया गया था। इस मेडिकल कैंप में कई बड़े डॉक्टर की टीम यहां मौजूद थी और इसका लाभ कई मरीजों ने लिया। इस मौके पर कई मशहूर समाज सेवक और राजनीतिक जगत से कई हस्तियों ने शिरकत की। जयाबेन बाग क्लिनिक के नाम का, तो इधर ईरानीवाड़ी 3 नंबर और ये पूरा कांदिवली वेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। सब बुजुर्ग और ये यहाँ की मीडियम वर्ग है, उनको ये सहायता की बहुत ज़रूरत थी खास, तो ज़रूरत के लिए दिलीप भाई ने जो स्टार्ट किया है उनके लिए उनको अभिनंदन और उनके पार्टनर और सब ये यहाँ पे सबको शुभेच्छा है। दिलीप भाई अमलानी ने हमारी शुभेच्छा। ज्यारथी हमने यहाँ स्टार्ट करूँ त्यारथी हमने रेगुलरली पोलियोना कैम्प लागे छे, કાંઈ નહીં તો કાંઈ કેમ્પ કરતા જ રહે છે સમાજ માટે, એટલે એમને એના માટે અભિનંદન। અને એની સાથે સાથે ખાલી એવું નથી કે જનપ્રતિનિધિને, આમ પબ્લિકને પણ કોન્ટેક કરતા રહે છે। સંતોષભાઈ પણ આવે છે, ચંદ્રેશભાઈ આવે છે, બાકી લોકો આવે છે, એટલે એમનું પબ્લિક રિલેશન પણ એ મેન્ટેન કરે છે, તો બહુ સારું આ જોઈએ પોલોની ક્લિનિક કામ કરતું રહે। એ શિબિરમાં બહુ સે લોક બીમારી લેકે આતે, દવા લેતે, દવા સે ભી ઠીક નહીં હોતે, હમ લોગ એક્યુપ્રેશર સુજો કલર થેરેપી જો बॉडी के अंदर जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट हम लोग दबाते, उससे प्रेशर से लोग को पता चले कि मुझे 2-3 दिन में नींद आना, खाना हजम हुआ, चल उठने बैठने में कुछ फर्क गिरा, वो लोग को महसूस होता है। ये थेरेपी वो लोग को आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करते रहो कोर्स, तो बहुत सारे रिजल्ट आते। किडनी फेल वाले, हार्ट डायबिटीज़ वाले को, हार्ट की तकलीफ हो, घुटने का दर्द, स्लिपरी साइटी का, उसमें ये थेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बिना दवा। प्रेशर नहीं, उसके साथ साथ आप योग भी करो ना तो द बेस्ट। योग पूरा पूरा बॉडी में, पूरा अणु अणु में, रोमे रोमे निकल जाता है। कोई भी रोग हो, तुमको अभी कुछ सूझ नहीं पड़ता, कोई किसी को कोई घर का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम योग से पूरा होता है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और दिलीप भाई ने जो ये रिस्पांस सबको दिया है वो बहुत ही अच्छा है। उनको जो सब लोग रिस्पांस दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, और वो जो कार्य कर रहे हैं वो हम सबके लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है। और तो क्या, मैं एज अ डायटिशियन हूँ, मैं सबको डाइट दे रही हूँ, जिस हिसाब के जिसकी तकलीफ रहती है उस हिसाब से सबको दे रही हूँ डाइट, कि उनको आगे अच्छा रहे, उस हिसाब से मैं दे रही हूँ। પોલિક્લિનિક ને હાર્દિક શુભકામનાઓ, એવું સારી રીતે કામ કરી રહ્યા છે। આના પહેલાં પોલિયો ડોઝ 1 અને પોલિયો ડોઝ 2 બહુ સારી રીતે વર્ણન કર્યું ઉજવ્યું, એ સિવાય એક્યુપેશન આયુર્વેદિક એક્યુપેશન કેમ્પ, ડાયટેશન કેમ્પ બહુ સારી રીતે ઉજવવામાં આવે છે। કાંદિવલીની પબ્લિક જે મધ્યમ વર્ગની ગરીબ છે એના માટે બહુ અનુકૂળ જગ્યાઓ છે, કે દરેક વ્યક્તિ અહીંયા વિચારે આવીને આજની મોંઘવારીના હિસાબે સસ્તા ભાવમાં બધું દવાઓનું આયોજન કરી શકે છે। એના મુખ્ય સંચાલક દિલીપ અપનાને જે બહુ સારી રીતે અહીંયા સંચાલન કરે છે, એમને લોકો બહુ સારી રીતે ઓળખે છે, અને આ જવાબેન પોલીને ભવિષ્યમાં સારું સુધારો કરીને જીવનમાં આગળ વધે એવી મારી હાર્દિક શુભકામનાઓ છે। સબસે પહેલે આજ મેં સબ લોકો શુભકામના દૂંગા, આજ ગુડી પાડવા હૈ નયા સાલ હૈ હમારા લોકો કા, એ નયે સાલ કે હું મેં આપકો ભગવાન સે યે પ્રાર્થના કરૂંગા કે આ મુંબઈ મેં जो हमारे सब नागरिक रहते हैं वो सुख समृद्धि से रहे, निरोगी आयुष्य उनको मिले, उनके आयुष्य में बीमारी ना आवे, ये शुभेच्छा दूंगा। आज यहाँ पे जो कैंप रखा गया है, ये जयाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट और गोपीचंद राणे जो मेरे पिताजी के नाम से ये संस्था हमने खड़ी की है, ये जो वास्तु आप देख रहे हैं, ये वास्तु के माध्यम से, जयाबेन ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे आने वाले लोगों को सेवा मिले, जो गरीब यहाँ पे आवे, जो गरजू है वो आवे, यहाँ पे जो भी आदमी आवे वो सुखी समाधान से जानी चाहिए,
उनको यहाँ पे आने वाले हर आदमी को यहाँ पे मदद मिलनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर रचना है, मैं एक आयुर्वेद फिजिशियन हूँ और यहाँ जयाबेन पॉलीक्लिनिक में सेवा देती हूँ। जयाबेन पॉलीक्लिनिक इज मेकिंग वेरी गुड एफर्ट्स, वो अपने सेवा करने के लिए वो बहुत ही अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं, हर एक प्रकार के डॉक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सके पब्लिक को। आज एक्यूप्रेशर और डाइटिशियन का कैंप रखा हुआ है और नेक्स्ट मंडे को हमारा सुवर्ण प्राशन का कैंप है। सुवर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन पैटर्न है। सुवर्ण प्राशन एक 0 to 18 ईयर्स के बच्चों को दिया जाता है। इट इज़ फॉर डेवलप ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द किड। बेसिकली उसमें सुवर्ण रहता है, जो सुवर्ण है वो बल बुद्धि मेधा धी धृति स्मृति को बढ़ाता है। तो सुवर्ण प्राशन जब भी बच्चे को जन्म से लेके सुवर्ण तो वैसे हम पूरी आयुष्य ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुवर्ण प्राशन का काश्यप संहिता जो एक ग्रंथ है जो बच्चों पे लिखा गया है उसमें उसका विवरण दिया हुआ है कि सुवर्ण प्राशन क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। हमने नेक्स्ट मंडे को जो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र जो उसमें पुष्य जो है वो पोषण को प्रदान सिंबल, इट इज़ अ सिंबल ऑफ पोषण। तो उसी दिन करने से ये फायदा है कि वो उसके जो देवता है अधिष्ठित देवता बृहस्पति है तो उसके लिए वो पोषण का प्रतीक है और उसी दिन देने का यह महत्व है कि उसको सुवर्ण प्राशन को हम पुष्य नक्षत्र के दिन देते हैं। दिलीप भाई जो चला रहे उसके मम्मी की नाम से चला रहे हैं, जो बहुत सेवा करने के लिए कर रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य सबको गरीब से दबंगा सबको कम रेट में आरोग्य सब सेवा मिले वो उसकी तमन्ना है और इसलिए हम भी उसमें जुड़ रहे हैं। मैं फिजियोथेरापी डॉक्टर किरीट दावड़ा कह रहा हूँ कि फिजियोथेरापी की वजह से जो पेशेंट को जॉइंट पेन पैरालिसिस डिसेबल पेशेंट को हम एबल करते हैं थ्रू अवर एक्सरसाइज प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग प्रॉपर लाइट ट्रीटमेंट एंड वी गाइड टू प्रिवेंट फर्दर डिफॉर्मिटी हाउ टू कैसे करना वो समझाते हैं और घर पे उसको एक्सरसाइज कैसे करना वो भी बताते हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं जैसे फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल सोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ऑपरेशन का डॉक्टर बोलते हैं हम एक्सरसाइज से उसको बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज करो तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। हेलो, मैं हेल्थ डॉक्टर रीना जोशी, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर जयाबेन पॉलीक्लिनिक में सेवा दे रही हूँ। ये ट्रस्ट है जो यहाँ पर अलग अलग डॉक्टरों से लेकर सभी डॉक्टर यानी अलग अलग फैकल्टीज डॉक्टर में होम्योपैथिक फिजियोथेरापी MBBS सभी यहाँ पर अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी सेवा मिल सके। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में बहुत सारे रोगों की अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, सबसे ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट है वो है ऑटिज़म मानसिक विकृति जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है यानी माँ बाप से आ सकता है या फिर एनवायरमेंटल डिफेक्ट से हो सकता है या फिर वैक्सीनेशन से होता है, क्योंकि आज तक अभी जो पेरेंट्स हैं वो सब ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सभी वैक्सीन दी जाए जिससे हमारे बच्चों को कुछ ना हो, लेकिन ये गलत है। अभी ज़्यादातर जो बच्चे डिफेक्ट में आ रहे हैं वो वैक्सीन की वजह से ही आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पर जयाबेन पॉलीक्लिनिक में रहकर उन सभी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कुछ और करना चाहती हूँ, ज़्यादा करना चाहती हूँ जिसका मौका मुझे जयाबेन पॉलीक्लिनिक ने दिया है। सो थैंक यू। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम पंचाल हूँ और यहाँ पर जयाबेन पॉलीक्लिनिक में एज अ थायराइड स्पेशलिस्ट काम करती हूँ। थायराइड डिजीजेज आर वेरी कॉमन इन इंडियन पॉपुलेशन। अबाउट 42 million पीपल इन इंडिया सफर फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स। दिस आर पर्टिकुलरली कॉमन इन फीमेल्स। थायराइड डिजीजेज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, लाइक दे कैन बी ड्यू टू डिक्रीज्ड हॉर्मोन रिलीज लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म विच इज़ अ मोस्ट कॉमन थायराइड डिसऑर्डर। इट कैन बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज थायरॉयड हॉर्मोन रिलीज विच कैन कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायरोटॉक्सिकोसिस। इट कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टन मिनरल्स लाइक आयोडीन एंड लीड टू आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और देयर कैन बी अ सर्टन ट्यूमर इन द थायरॉयड ग्लैंड इटसेल्फ विच कैन बी अ सिंपल थायरॉयड नोड्यूल और इट कैन टर्न आउट टू बी अ मैलिग्नेंट वन। नाउ थायरॉयड ग्लैंड, दिस इज अ स्मॉल highly vascular gland situated in the front side of the neck
which is H or V shaped, and it secretes this thyroid hormones which regulates the basal metabolic rate of our body and affects every cell in the body. It can affect a person of any age group, from a newborn till a elderly person. And if you see any signs and symptoms of thyroid disorder, such as a swelling in the front side of your neck, difficulty in swallowing, difficulty in speaking, or any kind of decreased in weight gain in spite of a good appetite, or increased in weight gain in spite of a poor appetite, lethargy, malaise, decreased activity, and a decreased interest in exercise, it can be a thyroid disorder. So if you see any sign, any of these signs and symptoms, please contact your nearby thyroid care center. A thyroid center has all the facilities for examining and treatment of the thyroid disorders. Thyroid can be evaluated by simple blood test, or it can be evaluated by nuclear imaging in selected cases and imaging techniques like x-rays and sonographies. मैं दिलीप अमलानी, पहले से मेरा सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान रहता है और हेल्थ और एजुकेशन के बारे में मैं ज़्यादा लेता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ. सेकेंड थिंग, हमारा यहाँ लाना मेरी माँ के नाम पे जयाबेन पॉलीक्लिनिक बनाना का मोटिव वही था कि हम लोग कम से कम वो रोग को भगावे, वो पेशेंट को अच्छा तो करे लेकिन पेशेंट को रोग से मुक्ति दिलावे, वो हमारा मोटिव है. तो इसे ऐसा बोला जाता है कि हम बिजनेस करने नहीं निकले हैं, हम पेशेंट को तंदुरुस्त रखना निकले हुए, ये हमारा मोटिव है. और मेरी माँ का मेरी जो ब्लेसिंग है, ये मैं हम लोग करके रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.